हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर के बारे में जानेंगे। भोला के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। उसने सोचा कि वो अगले दिन वापस आकर अपनी फसल काट लेगा। अगले दिन जब भोला अपने खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां चूहों ने आतंक मचा रखा था। चूहे मजे से भोला के टमाटर खा रहे थे। भोला ने उन चूहों को भगा दिया और उसने सोचा कि वो अपने खेत में तारों से बाड़ बना लेगा। उसने तुरंत मार्केट से तार खरीद ली। पहले भोला ने खेत के जिस हिस्से में टमाटर और कद्दू बोए थे, उन हिस्सों के लिए इस तरह से बाड़ बना ली। अगर टमाटर और कद्दू की खेती इस तरह के वर्ग और आयत आकार के घेरों में की गई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि भोला ने टमाटर और कद्दू की बाड़ बनाने के लिए कितने कितने मीटर तार इस्तेमाल की? बाड़ में इस्तेमाल की गई तार की लंबाई का अनुमान लगाने के लिए हमें उस बाड़ का परिमाप पेरीमीटर ढूंढना होगा। टमाटर की खेती वर्ग आकार के हिस्से में है, जिसका हर किनारा 5 मीटर लंबा है। और क्योंकि वर्ग आकार के सभी किनारे समान लंबाई के होते हैं, वर्ग आकार की बाड़ का परिमाप होगा 4 गुणा 1 किनारे की लंबाई। इस तरह भोला ने वर्ग आकार की बाड़ बनाने के लिए 4 गुणा 5 या 20 मीटर लंबी तार का इस्तेमाल किया। आयत आकार की बाड़ की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, और हर आयत में 2 लंबे किनारे और 2 चौड़े किनारे होते हैं। इस तरह इस आयत आकार की बाड़ का परिमाप होगा 12 और 6 में 12 और 6 जोड़कर 36 मीटर। बच्चों, अगर भोला ने इस आकार के घेरे में गाजर बोई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस घेरे की बाड़ को बनाने के लिए भोला को कितने मीटर तार का इस्तेमाल करना होगा? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। ये घेरा त्रिकोण आकार का है, इसलिए इसकी बाड़ का परिमाप ढूंढने के लिए हमें केवल इसके किनारों की लंबाई को जोड़ना होगा। इस तरह इस घेरे की बाड़ के लिए भोला को 6 में 10 और 8 जोड़ या 24 मीटर लंबी तार का इस्तेमाल करना होगा। भोला ने अपने खेत में तारों से बाड़ बना ली और फिर उन चूहों ने भोला को कभी परेशान नहीं किया। बच्चों, इस वीडियो में हमने आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।